तो गाइस क्या आपने सुना है पॉपकॉर्न वाला ऑमलेट? जी हाँ, पॉपकॉर्न वाला ऑमलेट। देखिए, पॉपकॉर्न हमेशा आपने सिनेमा घर में खाए होंगे, मैंने बड़े खाए हैं। मैं आप सबको बताऊं, स्वाद का सिकंदर बड़ी मस्ती मारी है अपने टाइम में, मगर पॉपकॉर्न मैंने अपने बच्चों को भी खिलाया है। मगर हाँ, ये जायका है स्वाद के सिकंदर का, और पॉपकॉर्न वाला ऑमलेट, जी हाँ, वो आपने नहीं खाया होगा। मैं आज आपको खिलाऊंगा पॉपकॉर्न वाला ऑमलेट, फिर ऊपर से मसाले प्याज मिर्ची एंड बॉयल एग डालेंगे और जायका तैयार करेंगे इस पॉपकॉर्न वाले ऑमलेट का। आइएगा, चलते हैं। मक्खन वही दिल्ली की शान या इंडिया पूरे की शान मैं कह सकता हूँ, अमूल मक्खन, क्वार्टर मक्खन डालेंगे और दो अंडे बड़े मोटे से लेंगे, क्योंकि जायका तैयार करना है तो बड़े प्यारे प्यारे दो अंडे लेंगे। और ऊपर से अभी डालेंगे बॉयल एग्स, जी हाँ, एक अंडा घिस के उस स्वाद को पूरा बनाना और देना, यही एक जायका है। भरपूर प्याज मिर्चें अदरक नमक लाल मिर्च और ये बाबूजी के मसाले की चुटकी, जी हाँ, वही जायका मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप नोट कीजिएगा, 15 से 18 मसाले, मेरी जान है ये, क्योंकि ये मेरे बाबूजी का दिया हुआ आशीर्वाद है। जब ये चुटकी घूमती है तो अपने आप जायके बनते हैं, और ऐसे जायकों में बनेगा आज पॉपकॉर्न वाला ऑमलेट। आपके मन में आ रहा होगा शायद, सिकंदर भैया पॉपकॉर्न का ऊपर का रैपर काट के अंडा इस पे तो नहीं फेंट के डाल रहे? मैं ऐसा नहीं करूँगा। हाँ, एक एक दाना लगाऊंगा और एक एक दाना फिट करके बनाऊंगा आज पॉपकॉर्न वाला ऑमलेट। देखिए गाइस, उन्होंने ऑमलेट लगा दिया है और अच्छी तरह पहले फैलाते हैं, और इस जायके को बनाने के लिए बड़ी तसल्ली से गैस को हल्का करके एक एक दाना फिट करते हैं और ऊपर से डालेंगे पॉपकॉर्न। ठीक है जी, कहाँ गया हमारा चाकू? ये देखिएगा, और ये आपका पॉपकॉर्न मैं निकाल रहा हूँ, आपको दिखा दूँ कि आपने अक्सर पॉपकॉर्न हमेशा सिनेमा घर में खाए हों या बाहर खाए हों या खाए होंगे आपने लोहड़ी वाले दिन, मगर मैं स्पेशल चीज़ खिला रहा हूँ आज आपको, पॉपकॉर्न वाला ऑमलेट। आइएगा, एक एक दाना लगाते हैं। ऐसे ही है जी पॉपकॉर्न, हाँ, यही जाएगा खिलाएंगे, और कैसे वो दाने लगेंगे और एक एक दाना कैसे फिट होगा, आइएगा चलते हैं। देखिएगा, बड़े सारे फ्लेवर हैं और ये जायके हैं पुरानी दिल्ली के स्वाद के। और कोई खाने आता है और कहता है सर मुझे कोई डिफरेंट चीज़ खिलाओ, तो मैं तो बड़े प्यार से ऐसी ऐसी चीज़ें बनाता हूँ जिसका अपना एक स्वाद है, और इसी स्वाद को बिल्कुल आपके आगे पेश कर रहा हूँ, जिसे कहते हैं पॉपकॉर्न वाला ऑमलेट। देखिएगा, एक एक दाना लगाना और प्यार से उस चीज़ को बिल्कुल तैयार करके देना, यही पहचान है स्वाद के सिकंदर की। और एक एक दाने को फिट कर रहा हूँ मैं, और आप भी घर पे अगर ट्राई कीजिएगा, एक हल्का सा रैपर है और उस पॉपकॉर्न वाले पैकेट को ला के जब बनाते हैं घर पे कुकर के अंदर, और मैं अपनी गुड़ियाओं के लिए तैयार करता हूँ, और ऐसे ही जायकों में तैयार है ये पॉपकॉर्न वाला ऑमलेट, और फिर ऊपर से बॉयल एग्स, इसको और क्रंची करेंगे, फिर थोड़ा सा धनिया, ये हल्के हल्के टमाटर, और ये बाबूजी के मसाले की चुटकी, जी हाँ, वही जायका। देखिएगा, ये स्वाद के शहजादे हैं, और जब स्वाद निकलते हैं तो अपने आप ही दिल करता है, ललचाता है मन अंदर से खाने के लिए। ये ऐसे जायके हैं जो आपको पूरे भारतवर्ष में नहीं मिलेंगे। हाँ, ये मैं दावे से कहता हूँ, किसी ने नहीं खिलाया होगा पावा पॉपकॉर्न वाला ऑमलेट। आप कहीं मेरे को ट्राई करें हो तो आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये जायके मैं बड़े प्यार से बनाता हूँ। जब कोई खास आदमी आता है मेरे पास, देखिए खास चैनल वाले हैं, और मैं बड़ा प्यार कर रहा हूँ और ऐसी चीज़ें खिला रहा हूँ आपको। अब इसमें लगाएंगे तंदूरी मेनिस, हल्का सा धनिया, और जो पॉपकॉर्न रह गए थे थोड़े से वो भी फिट करेंगे। देखिएगा, बड़ा प्यारा सा टेस्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि स्वाद का सिकंदर बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें खिलाता है, और ऐसे ही जायकों में बनता है पॉपकॉर्न वाला ऑमलेट जो आपने कहीं नहीं खाया हो। आइएगा, देखिएगा, फ्राई हो चुके हैं? नहीं, बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। अमूल के अंदर बना हुआ पॉपकॉर्न, अगर पॉपकॉर्न ही पॉपकॉर्न खाए होंगे मगर ऑमलेट नहीं खाया होगा। इस जायके बड़े प्यारे हैं, और यहाँ तक आना पड़ेगा सीताराम बाजार। और ऐसे फ्लेवर अगर आप खाने का शौक़ रखते हैं और अंडा खाने के लवर हैं,
तो आप आइएगा ज़रूर बाजार सीताराम, खासकर पॉपकॉर्न वाला ऑमलेट। जी हाँ, बड़ा खास है मेरा और मैं बच्चों के लिए बनाता हूँ। और आज मैंने आपको अपना जायका दिखाया है जो स्वाद का सिकंदर बनाता है। और आइएगा, प्लेट की प्रेजेंटेशन करते हैं अपने बाबूजी के नाम से। यस जी हाँ, ये थोड़ा सा ऑर्गेनो, और अगर स्पाइसी करते हैं बहुत चिली सा तो थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी डालते हैं। और ऐसे ही ये प्लेट रेडी होती है, मैं आपके आगे लेके आ रहा हूँ। और इसके अंदर दिए जाएंगे ब्रेड चार, केचप। आपका दिल कर रहा है पॉपकॉर्न खाने का? मेरा तो बहुत मन कर रहा है। मैं तो ऑमलेट के साथ खिला रहा हूँ, आप खाइएगा। आज तो मेरा लकी दिन है भैया। मैं तो आपको ऐसे फ्लेवर खिला रहा हूँ जो दिल्ली की शान में गिने जाते हैं। और स्वाद का सिकंदर बहुत सारे फ्लेवर बनाता है। और आपने अगर ऐसे ही जायके खाने हैं तो आपको आना पड़ेगा सीताराम बाजार, पुरानी दिल्ली। जी हाँ, पुरानी दिल्ली 6 मसाले और जायकों की दुनिया है। और आप यहाँ तक आइएगा सीताराम बाजार, और ऐसे ही जायके मैं खिलाऊँगा। अगर अंडा खाने के लवर हैं तो आइएगा और शॉप फरमाइएगा 4 बजे से 11 बजे तक, सीताराम बाजार पुरानी दिल्ली के अंदर, चावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन से अंदर रोड कट रहा है सीताराम बाजार। 20 से 25 दुकानें आप आएंगे, सीधे आपकी दुकान है सिकंदर ऑमलेट, स्वाद का सिकंदर।